अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो वो देखे दोस्तों, हमारा डावोस यार, दोस्तों क्या बताएं, कसम से इतना प्यारा लग रहा है ना हमारा डावोस। बिल्कुल हमें अपने बचपन की याद आ गया है, किस तरह हम जो है मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाते थे, तो उनमें फिर प्यारी प्यारी हम चीज़ें भी बना के रखते थे। तो बिल्कुल भी उसी तरह हमारा डावोस भी बना है। तो भी जल्दी से चलते हैं, आज तो बहुत खुशखबरी की भी बात है, हमारे जोजो ने हमारे डव्स के साथ दोस्ती भी कर ली है। जल्दी से चलते हैं, आपको जोजो और डव्स की दोस्ती भी दिखाते हैं और साथ कुछ जो है वो डव्स उसमें मैंने चीज़ें भी फिट करनी है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ पर। माशाल्लाह सकलेन जो है वो पहले से बैठे हुए हैं हमारे डव्स के पास और पैरट के पास, ओ सॉरी पैरट नहीं, जोजो के पास। जोजो है, काफ़ी दिन से हमने पैरट पैरट बोल रहे थे तो इसलिए। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जोजो और दोनों डव्स एक साथ घूम रहे हैं आगे पीछे नीचे। तो माशाल्लाह इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली है। तो यार ये निकलेंगे कोशिश कर रही है इधर, इस तरफ से निकल नहीं सकती। हाँ छोटे जा रही है। बाकी वो देखें दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हमारा डव हाउस भी जो है वो ड्राई हो रहा है। ये देखें इस साइडों से ये काफ़ी ड्राई हो चुका है और इसकी छत जो है वो भी काफ़ी ड्राई हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जल्दी हमारे डव्स इसके अंदर आने वाली हैं। उससे पहले हम यहाँ पे दरवाजे भी लगा देते हैं ताकि हमारी डव्स जो है वो महफूज रह सकें। तो ये एक स्टिक भी है, तो यहाँ पर हम इनकी एक स्टिक भी लगाएंगे, हमारी डव्स इसके ऊपर आराम से बैठ सकें और अपनी रेस्ट कर सकें। तो जल्दी से जल्दी पहले इसके दरवाजे फिट करते हैं और स्टिक लगाते हैं। आज तो दोस्तों हमने अपने मास्टर केज वाले कबूतर वो भी वापस लेके आना है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। हमारा छत दोस्तों बर्ड से भरने वाला है। यहाँ पर हमारे मास्टर केज वाले कबूतर होंगे, यहाँ पर हमारी डव्स होंगी और साथ हमारे केज में जोजो भी होगा, तो बहुत मज़ा आएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह साथ अभी चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने डावो उसको दरवाज़ा भी लगा दिया है। ये देखें ये इस तरह ओपन होगा और दोबारा हम इस तरह को बंद भी कर दिया करेंगे। और इसके अंदर मैंने डव्स के बैठने के लिए एक स्टिक भी लगा दिया है ताकि जब हमारे डव्स रेस्ट करें तो उसके ऊपर जो है आराम से बैठ जाएं और रेस्ट कर लें। हमें तो दोस्तों अपना डावोस बहुत ही पसंद आया है जो कि हमने मिट्टी से बनाया है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा इस तरह का डावोस। और ये हमारा जोजो और डव्स भी बैठी हुई हैं, रेस्ट कर रही हैं। हमारा एक कबूतर मिनी जू से उड़कर यहाँ पर आ गया है, तो इसको भी मास्टर केज में वापस लेकर जाना है। ये है दोस्तों हमारा मिनी जू। तो आज से हमने गोट फॉर्म का नेम चेंज करके मिनी जू रख दिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ गोट्स तो नहीं है, इसमें मुर्गे भी हैं, कबूतर भी हैं और गोट्स भी हैं, तो इसलिए आज से हमारा मिनी जू हो गया है। माशाल्लाह हमारे गोट्स ने अच्छी तरह चारा वगैरह खाकर अपना पेट भर लिया है। हाँ जी, ये देखिए ये यार, ये वैसे बड़े होंगे ना, ये आगे पीछे कबूतर फ्लाई करते हैं तो इसलिए। ये देखें यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक कबूतर भी कम नज़र आ रहा है ना। कौन सा यार, वो दो वो बैठे हुए हैं ना, तीन चार पाँच, ये वाला जो है ना छः सात, ये वाला इसका जो पार्टनर है। हाँ यार वैसे वो किधर गया है, चेक करते इधर आगे पीछे होगा। यार सकलेन ने मुझे बताया कि एक कबूतर हमारा कम है, तो जब वाकई मैंने सही करके गिने तो वो उसके साथ वाला एक कबूतर हमारा कम है। यार अभी जो ये नीचे पार पड़े हुए हैं ना, इसकी वजह से मुझे गड़बड़ लग रही है। किधर? हाँ यार वाकई ये भी पार पड़े हुए हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं यार, ये तो आज पक्की गड़बड़ लग रही है कोई ना कोई। इधर बाहर देखते हैं, वो ये दोस्तों यहाँ पर भी पार पड़े हुए हैं। किधर यार, इधर आ सकते हैं, ये देखो आज गड़बड़ लग रही है कोई ना कोई। इन सब कबूतरों को दोबारा से मास्टर केज में शिफ्ट करते हैं, फिर यार उस कबूतर को भी ढूंढते हैं। यार ये जो जगह जगह पर नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी पड़े हुए हैं और वो सामने पड़े हुए हैं सारे। यार इस वजह से कोई ना कोई आज गड़बड़ लग रही है और मुझे तो अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। दोस्तों तीन कबूतर मैं लेके आ चुका हूँ और बाकी कबूतर वो हसन भाई ला रहे हैं। ये कबूतर तो सारे दोस्तों दोबारा आ गए मास्टर केज में, लेकिन यार इसके साथ वाला भाई हमें नहीं मिल रहा। काफ़ी जो है आगे पीछे हमने खेतों में चेक किया है, अभी दोबारा से जा रहे हैं यार उसको चेक करने के लिए। कुछ हमारे कबूतर के फीदर पड़े हुए हैं, ठीक है आगे पीछे चेक करते हैं, क्या पता जो है कहीं हमें नज़र आ जाए वो। ये मुर्गे जो है ना, इनको पहले जो है मैं घर में ले कर चलता हूँ। हाँ जी, किस साइड पर दोस्तों? वहाँ पर भी सकलेन बता रहे हैं कि पार पड़े हुए हैं, पहले इन मुर्गों को तो जो है ना घर में बेचते हैं ना,
ये वैसे आवारा घूमते रहते हैं आगे पीछे। आप शक्लें बंद करके वापस आना, ठीक है यार। ये दोस्तों यहाँ पर भी हमारे कबूतर के कुछ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब लगता है कोई चीज़ जो है ना उठा के इस साइड पे गई है आगे, क्योंकि वहाँ पे आगे पीछे मैंने देखा है खेतों में काफ़ी, वहाँ पे कुछ भी आगे नज़र नहीं आया। यहाँ पर ये कुछ पर पड़े हुए हैं यार। शक्लें आओ ना, चेक करते हैं इधर आगे पीछे कहीं। यार ये भी एक पड़ा हुआ है पर, ये इधर वो, ये ज़्यादा पड़े हुए हैं इधर, ये देखो ये वाले ज़्यादा पड़े हुए। लगता है मेरे ख्याल में दोस्तों कोई चीज़ जो उठा के गई है वो इस साइड पे आगे गई है। तो आगे जाके चेक करते हैं ना, ये इधर आगे पीछे खेतों में भी चेक करते हैं, हो सकता है इधर आगे पीछे कहीं वो उठा के इस साइड से गई हो। इधर भी पड़े हुए दो तीन। हाँ यार ये इधर क्यों पार पड़े हुए इधर इतने ज़्यादा, वो ये भी पड़े हुए हैं ये वाले। हाँ ये भी, वो ये देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है दोस्तों हमारा कबूतर। यार लगता है दोस्तों बिल्ली से मार के यहाँ पर फेंक गई है। अब क्या पता जो है वो उसे कहीं चीज़ से देखा हो तो वो, ओए होए ये देख गर्दन से पकड़ के मारा है उसने, है ना। यहाँ नीचे से भी इसने पर उसके जो है निकाले, पंजा मारा है। ये कमर पे भी इसने जो है पंजा वगैरह मारा है, पर निकले हुए हैं और गर्दन से पकड़ के इसने मार दिया है। यार मुझे शक हो रहा था यार ये इतने क्यों आगे पीछे फीदर पड़े हुए हैं, तो आखिरकार ये देखे ना। ऐसा नहीं साहब, इस बिल्ली का क्या किया जाए, क्या यार किया जाए। यार दोस्तों कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये बिल्ली जो है जंगली आगे पीछे रोज़ चक्कर लगाती है, लेकिन आखिरकार वो आज कामयाब हो गया है। उसने ये देखे हमारा कबूतर मार दिया है, ठीक है। ये हमने सुबह बकरियां वगैरह बाहर निकाली थी ना, तो उसके बाद ये गोट फार्म जो सॉरी मिनी जू था ये खुला रह गया था, तो क्या पता उसे टाइम मिला हो बीच में से, तो उसने फ़ौरन उठा के वह उसने मार दिया है। अब यहाँ पे फेंक के वो चली गई है, हो सकता है कुछ देर बाद आए लेने के लिए। हाँ ये भी हो सकता है दोस्तों, भी हम इसको यहाँ पर ही पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। तो कुछ देर बाद फिर ऊपर से चेक करेंगे छत से, क्या पता वो उसे उठाने के लिए आए, फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी बिल्ली ने इसे मारा है। यार क्या दोस्तों कसम से आए दिन हमारा कोई ना कोई कबूतर मर जाता है, कभी पैरट मर जाता है, आज ये हमारा कबूतर भी हमें छोड़ के चला गया है। अब क्या हो सकता है, दोबारा चलते हैं आप ऊपर जो है छत से जो है ना छुप कर से देखेंगे, क्या पता वो दोबारा इसे उठाने के लिए यहाँ से आए, क्योंकि यहाँ पर फेंके गई है तो वो दोबारा ज़रूर आएगी यहाँ पर उठाने के लिए। काफ़ी देर गुजर चुकी है और मैं यहाँ पर ही बैठा हूँ छत के ऊपर भी, लेकिन यार वो बिल्ली अभी तक वापस नहीं आई। हो सकता है जब मगरब का वक्त नज़दीक हो या जब अंधेरा हो तो फिर वापस आए वो उसे उठाने के लिए, अब क्या पता। लेकिन मैं देखता रहूँगा बीच बीच में से, अगर मुझे नज़र आ गई ना तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं आज। यार वो पहले तो वैसे कबूतर मार जाते थे, आज एक बिल्ली ने मार दिया है। बस यार बहुत दुख हुआ है हमें, इतने प्यारे ये दोनों कबूतर थे, तो अब क्या हो सकता है। आज की वीडियो बस यहाँ तक एंड कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।